हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं नाइशा उठी है। तो नाइशा की एक आदत है कि जैसी वो उठती है ना, तो उसको गले लगाओ, थोड़ा सा प्यार करो, तो मतलब उसको अच्छा लगता है, मतलब वो खुश रहेगी। अगर नहीं उसको गले वले लगाओ ना, तो फिर वो चिड़चिड़ाती है, गुस्सा करे। और ये ना सारे बच्चों की आदत होती है, खासकर मेरी भी ऐसी थी। छोटे पे मैं लेटी रहती थी और मम्मी को आवाज़ लगाती रहती थी कि मम्मी आओ पास में लेटो, और जब तक मेरी मम्मी मेरे पास में नहीं लेटती थी ना, तब तक मैं उठती नहीं थी। ये तो मेरी आदत थी। तो बस यहाँ पर नाइशा को उठाया और बिस्तर बिस्तर सब तय वय बना लेते हैं। और आज मुझे ये बेडशीट भी हटानी है, जहाँ मुझे 3 से 4 दिन होते हैं ना, वैसे मैं ये बेडशीट हटाने लगती हूँ। तो बस यहाँ पर ये बेडशीट हटा देती हूँ और दूसरी वाली इस पर लगा दूँगी। और आज के ब्लॉग में आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप लोग नहीं बताते हो, वो बताया करिए। और क्या कमी रह जाती है मेरे से, और कैसे अच्छे बनाऊँ, और क्या नए नए ब्लॉग लेकर आऊँ, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पर बेडशीट मैंने लगा दी, फिर इसके बाद यहाँ पर टेबल है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने नाइशा के लिए बढ़िया थोड़ा सा इत्र डाल दिया और गुलाब के फूल डाल दिए। उसको बड़ा अच्छा लगता है फूल बनाना, उसमें नहाना, तो मैंने उसके लिए घर पे ही ये बना दिया। देख सकते हैं खूब पानी भर गया, जाओ अब नहाओ। तो फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ, अब करते हैं मॉर्निंग की पूजा स्टार्ट। काफ़ी ज़्यादा आज थोड़ा सा लेट हो गया है, और बच्चों के स्कूल नहीं चल रहा है ना, तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। थोड़ा मुझे भी आलस आ जाता है, और गर्मियों के दिनों में होता ही ऐसा है कि मतलब सुबह उठो तो आलस आलस जैसा ही रहता है। आज नहीं गई थी मॉर्निंग वॉक पे, वरना चली जाती हूँ। तो नायसा बढ़िया अपनी मस्ती कर रही हैं, नहा रही हैं। हम करते हैं अपनी पूजा की स्टार्ट, पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भगवान को करवा देती हूँ स्नान, और आजकल मुझे फूल मिलने लगे हैं ना, तो पूजा में कुछ ऐसी रौनक सी आ गई है, इतनी सुंदर लगती है पूजा। तो बस यहाँ पर कर लेते हैं फटाफट से पूजा, इसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और नायशा हमारी खूब नहा रही हैं, और आज उनके लिए स्पेशल मैंने पूरा वो स्विमिंग पूल जैसा बना दिया था। फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि दीदी आप जो ये बत्ती लगाती हूँ बहुत छोटी छोटी है। हाँ वाकई में बहुत छोटी है, मैं उज्जैन से लेकर आई थी, यहाँ भी मिल जाती है रतलाम में, जहाँ मैं मंदिर जाती हूँ ना, वहीं पे एक आंटी बनाती है, 50 रुपए में 600 बत्ती बनाती है, और जो कि बहुत छोटी रहती है और बड़े धीरे धीरे मतलब चलती है। और नहीं तो क्या बत्ती इतनी बड़ी बड़ी मोटी आती है जो मतलब पूरा काला काला कर देती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये 600 बत्ती लाई थी मैं, ये तो और ज्यादा थी शायद, उज्जैन से लेके आई थी। देखो दिखाती हूँ, देखो कितनी छोटी छोटी है, और ना ये लुढ़कती है ना कुछ, ना गिरती है। इस तरीके से ऐसे करो, बस ऐसे कर देती हूँ और आराम से लगती है। देखो अभी दिखाऊं, ये जो लगी हुई है देखो, यही बत्ती लगी हुई है, कि जैसे छोटी बत्ती होती है कहीं नहीं लगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पूरी इतनी सारी मेरी बत्ती मैंने इसमें रख ली थी। आंटी भी इधर बनाती है, पर वो अब वो मना करती है कि मतलब अब उम्र हो गई है, क्योंकि हाथ में उंगलियों में दर्द होने लगता है। और वैसे तो हमारे यहाँ पे जैसे मम्मी लोग हैं, ये सब लोग मतलब रुई से ही बनाती हैं, कहते हैं कि बत्ती बनी हुई नहीं मतलब लगाना चाहिए, कुछ रहता होगा यार, मतलब चीजें अशुद्ध रहती हैं आजकल सब, तो इसलिए। पर मुझे यहाँ पर रुई अच्छी मिली नहीं, रुई लेने गई तो मेडिकल स्टोर वाली रुई दे रहे थे, तो वो मैंने ली नहीं। अब की देखूंगी, घर से जाऊंगी तो अच्छी रुई अगर कहीं मिलेगी तो लेकर आऊंगी, हाथ से बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर दीपक लगा दी, भगवान का स्नान, आगे सब पूजा वगैरह मेरी हो गई, बस यहाँ पर भी पाठ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, कह रही हूँ जल्दी जल्दी मतलब पाठ कर लेती हूँ। आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, मतलब शुक्रवार वाले दिन हो ही जाती हूँ मैं, लेट हो ही जाती हूँ, क्योंकि सफाई में एक्स्ट्रा टाइम लगता है थोड़ा। तो फ्रेंड्स, पूजा वूजा करके मैं फ्री हुई, और मैंने अपना मोबाइल खोला, मैंने कहा लाओ पहले नाश्ता बाद में करूँगी, लाइन से सारी वीडियो लगा देती हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना देखा गैलरी, और गैलरी में नायशा ने मतलब व्लॉग बनाया। आप लोग देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते, पहले मुझे बताइए, देखना चाहते हो, मुझे पता है देखना चाहते हो आप लोग।
तो मतलब इतनी हंसी आई है मुझे इस ब्लॉग में, मतलब मेरी उसने कॉपी करी है। और मतलब कि मैं बाहर जा रही हूँ तो बाहर घूमने, पता है कहाँ गई है वो, बालकनी में ही घूम के आ गई है। और इतनी मतलब एक्टिंग की, आज मैं शेक बना रही हूँ, आज मैं ये पी रही हूँ, और मैं इसका रिव्यू करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँ, इतनी मतलब हंसी आई है इस, मतलब आप देखना 4-5 मिनट का उसने बनाया है अपना, आपके हंस हंस के पेट फूल जाएगा। तो चलो मैं आगे लगाती हूँ उसको लाइन से। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज पता है मुझे बहुत भूख लगी और घर में कुछ सब्जी भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ क्या बनाने का टेंशन, मैंगो ले आती हूँ, उसका शेक बना के पी लेती हूँ, और घर में सुबह की रोटी पूड़ी बची है तो ही खा लेंगे, छोले पूड़े। तो अभी मतलब मैं नहा धो के अगरबत्ती करके मैं चलूँगी, तो फिर अभी अगरबत्ती करते हैं अपन, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। ये रहा मेरा अगरबत्ती छाँव, इसको मतलब ये वैसी वाली अगरबत्ती नहीं होती है, इसको बस जलाना रहता है और यहाँ अपने टेबल पे कहीं पे भी रख दो, तो ये मतलब पूरे में जाती है और इसको अगरबत्ती बोलते हैं। और ये है हमारा सोना चांदी का, वो इसको इसके अंदर रखते हैं, मतलब निगेटिविटी नहीं आती इससे। तो अब जल्दी से मैं जला के रख देती हूँ। तो गाइज अभी मैंने अगरबत्ती कर दी है, तो अब चलते मैंगो लेने। चलो चले, तो यहाँ पर मैं अभी रखते हैं, वहाँ भी बहुत धूप है। चलो मैं आपको ना फिर ना मैं आपको ना सीधे पहुँच के बताती हूँ, क्योंकि बहुत वो है। दुकान पे तो आ चुकी हूँ, अब अंकल से पूछते, अंकल ये कितने का है? अंकल ने कहा ये कच्ची कैरी है। अच्छा देखते हैं, अंकल ये वाला कितने का है? ये देखो सही है ना, नीचे से थोड़ा तो चलता है दूसरे वालों में, 300 रुपये के 1 किलो। अब जैसे ज़्यादा तो महंगे होने चाहिए, तो मैं ऐसे ले रही हूँ, मैं ऐसे लेती हूँ जो अंकल से साफ साफ देख के आपको फिर दिखाती हूँ। तो गाइज मैंने लिए ना 8, क्योंकि मेरे घर में सब पीते हैं इसलिए, है ना। तो अपन चलते जल्दी से। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ रास्ते पे, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है वापस से। मुझे तो बस बारिश का मौसम ही अच्छा लगता है। चलो अब जल्दी से, घर भी आ गया है। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ, अब मुझे बस मैंगो शेक बनाना है। मैं सीधे आके एसी में बैठी, ये चलाया और बैठ गई, पूरा रूम साफ कर दिया, तो मैंने आपको व्लॉग में दिखा दिया था, दूसरे वाले पूरा रूम साफ हो चुका है। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे पसीने पूरा हो रहे, तो आपको विश्वास नहीं हो सकता कि मैं इसे चला रही। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ए सी चल रहा है, मेरा पूरा रूम क्लीन है सकते। और ये मैं, और ये है हमारा पर्दा, अभी मैंने मतलब गेट लगा रखा है। फ्रेंड्स बताना कमेंट में आपको उसका कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आई ना हंसी पक्का, आपको बच्चों को भी दिखाना आप अपने। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, और पहले तो ये मशीन में जो मेरे कपड़े हैं धुले थे, उनको मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ। ऊपर नहीं जाती हूँ मैं, आपको बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से, अभी गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, एक मिनट, यहीं डालती हूँ मैं रेलिंग पे ही, क्योंकि ऊपर ऐसी इस वाले रूम में तो अरे बाप रे इतनी गर्मी लग रही है, इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे लपटे लग रही हैं इतनी मतलब धूप की। तो फ्रेंड नहाने से पहले ये सारे कपड़े मतलब धुल गए थे, बस इनको फैलाना बाकी था, तो आधे तो अभी मैंने फैला दिए थे पूजा करने के बाद, और आधे अभी रह गए मशीन के अंदर, तो इनको भी यहीं फैला देती हूँ। गर्मी तो पूछो मत, ऐसे मतलब आगे वाले रूम में और बालकनी में ऐसा लगता है इधर सीढ़ जैसे गरम थपेड़े से लग रहे हों, तो इतनी गर्मी थी। अब देखो नहीं तो यहाँ पर क्या मानसून आ जाता है 1-2 जून तक, पर इस बार पता नहीं क्यों बारिश ही नहीं हुई। तो बस यहाँ पर डाल देती हूँ मैं ये सारे कपड़े, और शाम तक ये खूब अच्छे से सूख जाते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं कि हाँ नहीं सूखेंगे, ड्रायर हल्का सा कर दिया है। मैंने मेरे सारे कपड़े डाल दिए हैं, सब सूख जाएंगे शाम तक। तो यहाँ पर नीचे आई, नाश्ते में बनाया आज ये ढोकला, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है, मतलब मैंने आपको नहीं दिखाया व्लॉग में क्योंकि कई बार मैं दिखा चुकी हूँ, रेडीमेड पैकेट आता है, बस उसको घोलो और उसमें रख दो मतलब ओवन में, तो बहुत बहुत जल्दी मतलब बन जाता है।
तो बस नाश्ता वास्ता किया, आंटी को खिलाया, चाय वगैरह पी, फिर इसके बाद मैं लग गई काम में। दूध गर्म होने के लिए रखा है और आज मैं कढ़ी चावल रोटी बना रही हूँ, काफ़ी दिन से खाई नहीं थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चावल बनने के लिए रख देती हूँ, जब नाश्ता कर रही थी उसी वक्त मैंने चावल भी भिगो कर रख दिए थे, तो बस चावल बनने के लिए रखूँगी। और एक तरफ यहाँ पर दही है, मुझे पता है मुझे हमेशा से दही की ही कढ़ी अच्छी लगी है, कभी भी मुझे छाछ वाली जो कढ़ी होती है ना वो कभी भी अच्छी नहीं लगी, जो मट्ठा वाली कढ़ी होती है। तो बस यहाँ पर दही को निकाल लिया, इसको अच्छे से मथ लूँगी और इसी में ही पानी डाल के और बेसन डाल लूँगी। और आज मैं वो पकौड़े वाली कढ़ी नहीं बना रही हूँ, सिंपल ऐसे ही बना रही हूँ कढ़ी। तो बस यहाँ पर घोल लिया है बेसन और इसी में ही सारे मसाले ऐड कर दूँगी। पहले तो इसमें पानी जितना आपको चाहिए, जैसे कई लोगों को ना बड़ी थिक थिक वाली कढ़ी अच्छी लगती है, पर मुझे वैसी नहीं, मुझे थोड़ा सा पतली कढ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर हल्दी डाल दी, थोड़ी सी मिर्च डाल दूँगी और धनिया पाउडर और हींग इसमें डालने जा रही थी, फिर एकदम से याद आया कि नहीं तड़के में डालना है, फिर इसमें डाल दूँगी मैं नमक स्वाद के हिसाब से। तो बस हमारा जो कढ़ी का घोल है वो बन के तैयार है, एक तरफ इसको रख देती हूँ। अब सारी चीज़ें प्लेट में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने राई, मेथी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो खड़ा धनिया होता है ना वो यहाँ पर थोड़ा सा रख लिया है, और साथ में करी पत्ता भी धो के, क्योंकि करी पत्ता के बगैर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कड़ी, और थोड़ी सी हींग भी रख ली है। तो बस अब इसमें लगा देते हैं हम फटाफट से तड़का, चावल भी एक तरफ हो ही गए हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पर फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में सुबह के टाइम अंकू को पराठा बना कर दिया था, तो आटा उस टाइम बच गया था थोड़ा सा, तो बस बना देती हूँ। और यहाँ पर बस आप आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। और कढ़ी मेरी जो कि अभी उबाल नहीं आया, तो उसको बार बार चलाना पड़ता है, नहीं तो क्या कढ़ी फट जाती है। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो रोटियाँ हैं वो भी बना लेती हूँ। तो फाइनली गाइस, रतलाम में मानसून आ चुका है, बारिश आ गई। आराम कपड़े, अरे बाप रे, गाइस उठो जल्दी, भूल ही गई कपड़े उठाने, जल्दी 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 जल्दी, मैं तो व्लॉग लेने आई थी। अरे अरे अरे, कपड़े 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 कहीं से डालो, हम अलमारी भी भीग जाएगी। चलो उसको साइड करते हैं, आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वाओ भाई, इधर ही पानी आ रहा थे। ए नाइस, अंदर आओ, यहाँ पे गिर रही है ओले, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए। अरे बाप रे, देख तो बर्फ गिर रही है, ओले गिर रहे हैं, देख ओले, देख इसमें, देख कितने सारे, देख हर हम मोबाइल गीला हो गया। अरे बाप रे, देखिए हवा, हवा देखिए,